हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखंतु आज क्लास हमें डिस्कशन करवा तो बायोलॉजी कि सिलेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चन जोड़ा कि आपंकर बेस्ट कर रहा सेल बायोलॉजी उपर ठीक अच्छे सेल उपर बेस्ट कर रहा तो वीडियो को आपड़ फास्ट लास्ट कम्प्लीटली देखिए। वीडियो को लाइक करेंगे सांगों सहित वीडियो को सेयार करेंगे। आज जब आप चैनल को फास्ट टाइम भी आ चैनल को सब्सक्राइब करना तो चैनल को एवं सब्सक्राइब कर अल् नोटिफिकेशन को अन् करदे एपर लाटेस्ट क्लास नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाए। सो फ्रेंड्स लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर वन को जीवा क्वेश्चन नंबर वन दे ग्रोथ ऑफ सेल वॉल ड्यूरिंग सेल एलोंगेशन टेक्स प्लेस बाय तो सेल वॉल ग्रोथ सेल एलोंगेशन समय केउठारे हेथाय हला तो करेक्ट आंसर टी हेजिबो कोन ना करेक्ट आंसर टी हेजिबो अपोजिशन एवं आपनकर इनटू ससेप्शन ठीक अछि। तो ऑप्शन नंबर हेजिबो सी बोथ ए आउ बी हेजिबो करेक्ट आंसर। कोन हेजिबो करेक्ट आंसर बोथ ए आउ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा नेक्स्ट आपन देछि सेल मेम्ब्रेन इज कंपोस्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन डा आपनकर काहा काहा को नै गठित प्रोटीन सेलुलोज प्रोटीन फॉस्फोलिपिड देन आपन देछि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट देन आपनकर देछि प्रोटीन फॉस्फोलिपिड एंड सम कार्बोहाइड्रेट। तो करेक्ट आंसर टी हेजिबो तो आपनकर प्रोटीन फॉस्फोलिपिड आउ सम कार्बोहाइड्रेट को नै कि आपनकर कोन गठित होइथाय ना आपनकर सेल मेम्ब्रेन गठित होइथाय मन रखिबो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहिला प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लुइड स्ट्रक्चर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ तो देखो मुझे डिस्कशन करछि बायोलॉजी रो कंप्लीट थ्योरी क्लास तो आपंकर दुटा क्लास रे कंप्लीट करछि तो आपन जे देखि नांदी तो काइंडली देखि नंतु वीडियो आपन को मिलि जइबो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक मिलि जइबो ठीक अछि। नला अपन चैनल ऊपर जाई मध्य देखि परिवे तो आपन कहि छि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लुइड स्ट्रक्चर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन टा फ्लुइड स्ट्रक्चर कोन बाय मैन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लिपिड ठीक अछि। लिपिड रा प्रेजेंस जोगु आरो स्ट्रक्चर टा होछि कोन ना फ्लुइड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखिए सेल वॉल इज प्रेजेंट इन तो सेल वॉल आपंकर केउठी प्रेजेंट थाए प्लांट सेल ले ना प्रोकैरियोटिक सेल ले ना आपंकर आपंकर अल्गल सेल ले ना आपंकर ऑल ऑफ दी हेबो तो आपंकर सबुटी तो आपंकर ऑप्शन नंबर सी हे जीव सॉरी ऑप्शन नंबर डी हे जीव सेल वॉल आपंकर प्लांट सेल ले देखा जाए प्रोकैरियोटिक ले देखा जाए अल्गल सेल ले मध्य देखा जाए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन गोटे कौन ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन होची गोटे सेमी परमिएबल माने आपंकर सॉरी आपनकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हूँ गोटे सिलेक्टिवली ठीक अच्छे सेमी परमिएबल हेनी सिलेक्टिवली परमिएबल तो ऑप्शन नंबर ए सिलेक्टिवली परमिएबल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन गोटे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा नेक्स्ट आपन को दीजिए माइटोकॉन्ड्रिया तो माइटोकॉन्ड्रिया कथा केबे भूलिबे नी पावर हाउस ऑफ सेल कौन पचारे पावर हाउस ऑफ सेल सुइसाइडल बैग जोटा लाइसोजोम तो ताकू आपन केबे भूलिबेनी ठीक अछि। निहाती आपन सिटी रे देखियो को मिलबो सेई प्राइप रो क्वेश्चन तो आपनकर माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए इज तो माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए टा आपनकर कोन ना होची ऑल द अबव माने नेक्ड सर्कुलर आउ डबल स्टैंडर्ड माने कि माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए टा नेक्ड माने नेकेड जोटा कह जाए नेकेड सर्कुलर आउ आपनकर डबल स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देछि लाइसोजोम्स आर नॉट हेल्पफुल इन तो लाइसोजोमटा आपनकर आ भितर केउ जगह रे दरकार हेन थाए तो मन रखिबे लाइसोजोमटा आर नॉट हेल्पफुल इन मेटामॉर्फोसिस ठीक अछि। मेटामॉर्फोसिस रे आपनकर लाइसोजोम रो कोनोसी आवश्यकता न थाए मेटामॉर्फोसिस रे लाइसोजोम दरकार हेन थाए। नेक्स्ट देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑर्गेनेल्स कंटेन डीएनए तो आपनर केउ सेट ऑफ ऑर्गेनेल डीएनए कंटेन करथाए तो डीएनए रो फुल फॉर्म आपन मन रखिबे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर आपनर वाटसन ऑफ क्रिक्स आपनर डिस्कवर करथिले ताकु मन रखिबे तो डीएनए फुल फॉर्म कोन डीऑक्सी राइबो आपनकर ठीक अछि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड आपन मन रखिबे ठीक अछि। तो एठी आपन देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑर्गेनेल कंटेन डीएनए तो डीएनए कंटेन करथाए माइटोकॉन्ड्रिया आउ क्लोरोप्लास्ट ठीक अछि माइटोकॉन्ड्रिया आउ क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज ट्रू अबाउट राइबोजोम राइबोजोम रिगार्डिंग क्यों स्टेटमेंट टी ट्रू अच्छी राइबोजोम पे तो दीज आर फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल दीज आर आपनकर स्लेट स्लीपिंग इंट्रॉन्स ऑफ सेम आरएनए द प्रोकैरियोटिक राइबोजोम्स आर 8S सर ए क्वेश्चन रे देखंतु पचार दला प्रोकैरियोटिक राइबोजोम्स आर 8S देन आपनकर वेयर एस स्टैंड्स फॉर सेमी आपनकर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट देन आपन देची दी जर कंपोस्ट ऑफ राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन तो आपन कहि जी जे व्हाट इज ट्रू अबाउट राइबोजोम राइबोजोम कौन ना राइबोजोम होची दी जर कंपोस्ट ऑफ राइबो न्यूक्लिक एसिड आउ प्रोटीन्स ठीक अछि। राइबोजोम टा आपनकर कौन ना ए गठित होइते राइबो न्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन ना समाहार रे मन रखिबा ऑप्शन नंबर डी हे जेबो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहिला
द इम्पोर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक अच्छे पचार गोटे इम्पोर्टेंट साइट कहवा जोटा कि आमर कौन ना आमर फॉर्मेशन करथाय कौन ग्लाइकोप्रोटीन एवं ग्लाइकोलिपिड्स। तो आपणकर वैक्यूल्स ना प्लास्टिड्स ना आपणकर लाइसोजोम ना आपणकर गॉल्जी अपैरेटस। मन रखिए गॉल्जी अपैरेटस आपणकर कौन करता है गोटे साइट जो थे कि आपणकर ग्लाइकोप्रोटीन आउ ग्लाइकोलिपिड फॉर्मेशन होता है गॉल्जी अपैरेटस मन रखिए। नेक्स्ट देखिए पेप्टाइड सिंथेसिस इनसाइड अ सेल टेक्स प्लेस इन। तो पीडीएफ टा फ्रेंड्स आप टेलीग्राम रे रेगुलरली आप सब पीडीएफ आपको अपलोड करदे टेलीग्राम जो जॉइन होना टेलीग्राम जॉइन हो जातु लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाव। पेप्टाइड सिंथेसिस इनसाइड ए सेल वॉल टेक्स पेप्टाइड सिंथेसिस इनसाइड ए सेल टेक्स प्लेस इन। तो क्लोरोप्लास्ट ना क्रोमोप्लास्ट ना आप राइबोजोम ना आप माइटोकॉन्ड्रिया मन रखिए पेप्टाइड सिंथेसिस राइबोजोम। ठीक अच्छे पेप्टाइड सिंथेसिस जब पचारा तो इनसाइड ए सेल टेक्स प्लेस एट राइबोजोम। तो मन रखिए राइबोजोम होता है पेप्टाइड सिंथेसिस राइबोजोम है। नेक्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन कनसीस्ट मेनली अफ तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली कनसीस्ट अफ तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या क्या नहीं गठित ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपंकर गठित क्या ना प्रोटीन एम्बेडेड इन ए फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। प्रोटीन टा एम्बेडेड होता है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर रे। तो आर करेक्ट आंसर दे दिबो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दला द मेन आरएनए ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज ऑफ सेल इज द मेन आपंकर द मेन आरएनए। ठीक अच्छे ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटी ऑफ सेल इज तो यहाँ हूँ मेन एरिया। ठीक अच्छे मेन एरिया ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज ऑफ सेल्स इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन न्यूक्लियस आपंकर साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया। तो करेक्ट आंसर दे दिबो साइटोप्लाज्म। ठीक अच्छे साइटोप्लाज्म द सॉलिड इनर साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स हैविंग ए डायमीटर ऑफ 6 नैनोमीटर एंड मेड अप ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर आर नोन एज। तो गोटे सॉलिड लिनियर साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर बा साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स जार की डायमीटर हूँ 6 नैनोमीटर जोटा कि गठित होता है गोटे सिंगल टाइप मोनोमर को लेकिन आम माइक्रो फिलामेंट कही था ना इंटरमीडिएट फिलामेंट कही था ना लैमिन कही था ना माइक्रो ट्यूबल्स कही था। तो मन रखिए आम कौन कही था ना माइक्रो फिलामेंट बोली कही था कौन कही था माइक्रो फिलामेंट्स मन रखिए इंपोर्टेंट। नेक्स्ट देखिए द ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ ए सेल केप्ड इन वाटर इज चीफली रेगुलेटेड बाय जो ऑस्मोटिक एक्सपेंशन होता है गोटे सेल रे। तो यहाँ आपणकर केप्ड इन वाटर इज चीफली रेगुलेटेड बाय आपको रेगुलेट करता है किए माइटोकॉन्ड्रिया करता है ना वैक्यूल्स करता है ना प्लास्टिड करता है ना राइबोसोम करता है मन रखिए आपको वैक्यूल्स ऑपरेट करता है किए करता है वैक्यूल्स है ऑप्शन नंबर बी। गॉल्जी बॉडी इज एब्सेंट इन तो आपड़ मन रखिए गॉल्जी बॉडी आपंकर प्रोकैरियोटिक रे नथाय मैच्योर मामालियन आरबीसी रे नथाय आपंकर अल्कैरियोट्स रे भी नथाय तो मैंने ऑप्शन डी हो जाव ऑल दी अबव गॉल्जी बॉडी आपंकर आ भीतर केउ ठारे मध्य देखा जाए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहिला देखंतु आपनों पई क्वेश्चन नंबर 17 हु डिस्कवर्ड सेल इन 1665 मन रखिए। तो सेल किए डिस्कवर करें 1665 मन रखिए 1665 रॉबर्ट हुक आपणकर सेल डिस्कवर करते न्यूक्लियस किए डिस्कवर करते तो जानते समस्ते करदे न्यूक्लियस। ठीक अच्छे सेल आप डिस्कवर करते रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज एब्सेंट इन एनिमल सेल एंड प्रेजेंट इन प्लांट सेल तो आपंकर क्यों सेल ऑर्गेनेलटा भितर प्लांट सेल आपंकर कौन थाए ना प्रेजेंट थाए एनिमल सेल ले एब्सेंट थाए। तो क्यों सेल ऑर्गेनेल प्लांट सेल प्रेजेंट थाए एनिमल सेल ले एब्सेंट थाए सेल वॉल साइटोप्लाज्म ना आपंकर वैक्यूल्स ना आपंकर माइटोकॉन्ड्रिया मन रखिए ऑप्शन नंबर आपंकर ए हो जीवो जोटा कि हूँ सेल वॉल। सेल वॉलटा आपंकर कोड थाए ना प्लांट सेल ले प्रेजेंट थाए किंतु एनिमल सेल ले सेल वॉलटा एब्सेंट थाए मन रखिए सेल वॉल हूँ कौट थाए सेल वॉल ना सेल वॉल एनिमल सेल ले एब्सेंट थाए एवं प्लांट सेल ले प्रेजेंट थाए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपंकर नेक्स्ट देखिए देखो नेम दि आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ दि सेल तो सेल रो आउटर मोस्ट बाउंड्री को कौन कहे सेल रो आउटर मोस्ट बाउंड्री को कौन कहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना आप नन ऑफ दि अबव तो आप सेल रो आउटर बाउंड्री को आम कौन कही था ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन कही था कौन कही था प्लाज्मा मेम्ब्रेन कही था मन रखिए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए व्हिच ऑफ दि फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिगार्डिंग क्यों स्टेटमेंट इज ट्रू तो न्यूक्लियस इट टेक्स पार्ट इन आपंकर स्पिंडल फॉर्मेशन इट इज ए मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर ना लार्जर न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल्स ना इट इज ए साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस तो करेक्ट आंसर दीजिए ऑप्शन नंबर डी
इट इज अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। तो आभितर इनकरेक्ट जो मैच माने आभितर क्यों इनकरेक्ट अछि सब मेटासेंट्रिक जोड़ा हो जी सब मेटा सेंट्रिक हेले एल शेप्ड क्रोमोजोम देन देजी जदि आलोजोम सेला सेक्स क्रोमोजोम आपनकर लैम्प्रूस हेला डाइप आपनकर डिप्टोलेटिन डिप्टोलटिन बाइवलेंट देन आपनर पॉलीटिन होची उ साइट ऑफ एम्फीबियन। तो मन रखिए क्यों इनकरेक्ट अच्छे बजाला तो करेक्ट आंसर टी ऑप्शन डी। तो पॉलीटिन दा उ साइट आपनकर एम्फीबियंस नुहे तो आपको देखिए इनकरेक्ट मैच कर। नेक्स्ट देखिए व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज एनक्लोज्ड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन। तो आ भितर क्यों सेल ऑर्गेनेलटा एनक्लोज्ड होता है सिंगल मेम्ब्रेन द्वारा हला। तो मन रखिए न्यूक्लियस देखिए माइटोकॉन्ड्रिया देखिए क्लोरोप्लास्ट लाइसोजोम सुइसाइडल बैग मध्ये कहे लाइसोजोमटा कौन होता है ना गोटे एनक्लोज होता है सिंगल मेम्ब्रेन द्वारा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो आ भितर क्यों स्ट्रक्चर टी प्रोकैरियोटिक सेल रे देखा जाए ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन न्यूक्लियर एनवलप ना आपनकर राइबोसोम ना आपनकर मेजोजोम। तो प्लाज्मा आपनकर कौन देखा जाए ना तो मन रखिए न्यूक्लियर एनवलपटा आपनकर प्रोकैरियोटिक रे देखा जाए ना। नेक्स्ट देजी सेलुलर ऑर्गेनेल्स विथ मेम्ब्रेन्स आर। तो सेलुलर ऑर्गेनेल्स विथ मेम्ब्रेन ताकु आमे कहि दउ लाइसोजोम गोल्गी अपैरेटस आ माइटोकॉन्ड्रिया ना न्यूक्लियाई राइबोसोम्स आ माइटोकॉन्ड्रिया ना क्रोमोजोम राइबोसोम्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना आपनकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम आ न्यूक्लियाई। तो मन रखिबे सेलुलर ऑर्गेनेल होची आमे ताकु कहि दउ लाइसोजोम गोल्गी अपैरेटस एवं माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर आपन रहि जिवो ए। नेक्स्ट क्वेश्चन टी कौन रहा नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आपन देला मिडिल लामेला कंपोज्ड ऑफ। तो मिडिल लामेलाटा आपनकर काहा को नै गठित होइता जेतेबेले भी आपनको मिडिल लामेला कहउछि तो आपन मन रखिबे कैल्शियम तारो मेन कंपोनेंट होउछि कैल्शियम त माने ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम पेक्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहला साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ। तो साइटोस्केलेटन आपनकर जेतेबेले कहउछि तो साइटोस्केलेटन सबले मन रखिबे तो एटा होउछि प्रोटीन हला प्रोटीनियस फिलामेंट। तो ऑप्शन नंबर है जीवो सी हला प्रोटीनियस फिलामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहला व्हाट इज ट्रू ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो व्हाट इज ट्रू ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड्स आउ प्रोटीन विषय नॉन कैन फ्लिप फ्लॉप बोथ कैन फ्लिप फ्लॉप प्रोटीन कैन फ्लिप फ्लॉप बट लिपिड कैन नॉट फ्लिप लिपिड कैन फ्लिप फ्लॉप बट प्रोटीन कैन नॉट। तो ऑप्शन डी हे करेक्ट। वैक्यूल इन ए प्लांट सेल। तो वैक्यूल इन ए प्लांट सेल गोटे कौन ना आम कहीपर तो मन रखिए ऑप्शन बी हम इज ए मेम्ब्रेन बाउंड कंटेंट्स वाटर एंड एक्सक्रिटरी सब्सटेंस। ऑप्शन नंबर बी पॉलीजोम इज फॉर्म्ड बाय। तो पॉलीजोम आपनकर तैयारी होता है क्या द्वारा। तो पॉलीजोम आपनकर तैयारी होता है मन रखिए पॉलीजोम ऑप्शन नंबर बी सेवरल राइबोसोम अटैच टू ए सिंगल एम आर एन ए। तो गोटे सिंगल मेसेंजर आर एन ए सहित सेवरल राइबोसोम जो अटैच होती है से पॉलीजोम तैयारी होता है। प्रोटीन सिंथेसिस इज एन एनिमल सेल इन एन एनिमल सेल। प्रोटीन सिंथेसिस गोटे एनिमल सेल केमी ओनली ऑन द राइबोसोम्स प्रेजेंट इन द साइटोसेल ना आपनकर ऑन राइबोसोम्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एज वाल इन माइटोकॉन्ड्रिया ना ओनली ऑन राइबोसोम्स अटैच टू द न्यूक्लियर एनवलप एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना ऑन राइबोसोम्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एज वेल एज इन साइटोप्लाज्म। तो करेक्ट आंसर दिए ऑन राइबोसोम रे हिता राइबोसोम रे मन रखिए हिता जोटा कि प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एज वेल एज इन माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देजी इन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन। तो क्लोरोप्लास्ट रे आपनकर क्लोरोफिलटा केउडी प्रेजेंट थाए। तो क्लोरोप्लास्ट रे आपनकर क्लोरोफिलटा आपनकर इनर मेम्ब्रेन ना थाइल आपनकर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन ना आउटर मेम्ब्रेन ना स्टोमा रे। तो मन रखिए क्लोरोप्लास्ट आपनकर केउडी थाए ना क्लोरोप्लास्ट आपनकर थाए थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन ने कोड थाए थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन ने। ऑप्शन नंबर बी हे जीवो करेक्ट। नेक्स्ट देजी डैश डैश इज इनवॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड सॉरी फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस रे केउडी यूज हेता है। तो आपनकर माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मन रखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑप्शन नंबर डी रे अछि। व्हिच अमंग द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्ट अबाउट ऑर्गेनेल। तो ऑर्गेनेल पई आ भितर क्यों स्टेटमेंट टी करेक्ट नुह दे आर बाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल दे आर फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल दे आर फाउंड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो आपन पचार छी क्यों स्टेटमेंट टा
क्यों सेंटेन्सटा नॉट करेक्ट ऑर्गेनेल विषय क्यों सेंटेन्सटा करेक्ट ना तो ऑप्शन नंबर ए है तो यहाँ सब यूकैरियोटिक रे देखा जाए ना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल देखते क्वेश्चन टी जहाँ भी आसो पावर हाउस ऑफ सेल आपंकर किए माइटोकॉन्ड्रिया कह जाए। द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल इज नोन एज तो गोटे जेली लाइक सब्सटेंस जोटा कि प्रेजेंट थाए कौट थाए ना प्रेजेंट इनसाइड द सेल सेल भितर थाए तो आम कौन कही था ना जेली लाइक सब्सटेंस को आम कही था साइटोप्लाज्म कौन कही था साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सेल थ्योरी तो सेल थ्योरी क्यों स्टेटमेंट ट्रू अच्छी सेल थ्योरी रिगार्डिंग क्यों स्टेटमेंट ट्रू अच्छी सेल थ्योरी डजंट अप्लाई टू फंजी सेल थ्योरी डजंट अप्लाई टू भाइरस सेल थ्योरी डजंट अप्लाई टू आल्गी सेल थ्योरी डजंट अप्लाई टू माइक्रोब्स तो मन रखिए सेल थ्योरीटा आपंकर सेल थ्योरीटा भाइरस ना तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है ब्लू ग्रीन आल्जी आर तो ब्लू ग्रीन आल्जी गुड़ा हूँ प्रोकैरियोटिक्स ठीक अच्छे ब्लू ग्रीन आल्जी गुड़ा हूँ प्रोकैरियोटिक मन रखिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट न्यूक्लियस न्यूक्लियस विषय में क्यों स्टेटमेंट ट्रू अच्छी तो न्यूक्लियस कथा यदि कहवा न्यूक्लियस रिगार्डिंग क्यों स्टेटमेंट ट्रू अच्छी तो न्यूक्लियस आब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक इट इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल देन इट कंटेन डीएनए एंड अदर जेनेटिक मटेरियल तो सब हम करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्रोमाटोफोर्स टेक पार्ट इन तो क्रोमाटोफोर्स टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस मूवमेंट प्रेस्पिरेशन ना ग्रोथ ना आपंकर कौन हो तो मन रखिए क्रोमाटोफोर आपंकर फोटोसिंथेसिस रे टेक पार्ट करता है फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच टू ड्रग्स एंड फॉर होस्ट टिश्यूज आर तो स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच टू द रॉक एंड फॉर होस्ट टिश्यू तो क्यों स्ट्रक्चर होल्ड फास्ट स्ट्रक्चर ना राइज आपंकर रेहिजर्ड्स ना फिम्ब्री ना आपंकर मेसोजम्स तो करेक्ट आंसर दे दीजिए फिम्बे स्ट्रक्चर ठीक है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मिसमैच तो आभर जो इनकरेक्ट अच्छी आम सिलेक्ट करवा गैस आपंकर गैस वैक्यूल ग्रीन बैक्टीरिया लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एनिमल सेल ऑप्शन नंबर बी इट इज इनकरेक्ट। वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स फाउंड इन प्लांट सेल तो प्लांट सेल प्रेजेंट थी गोटे वाटर सॉल्युबल पिगमेंटर ना हो कौन ना एंथ्रोसियानिन क्लोरोफिल आपंकर जांथोफिल्स ना आपंकर कैरोटेनॉइड्स तो मन रखिए करेक्ट आंसर टी ऑप्शन नंबर ए हो ठीक अच्छे एंथ्रोसियानिन सी हो करेक्ट। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को आम कौन कही था ना माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को आम कही था ऑप्शन डी हम ठीक अच्छे जोटा कि हूँ कौन एज ट्रू बी इज फॉल्स माने एटा हूँ ट्रू एटा हूँ सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है युवा हूँ सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट। गॉल्गी कॉम्प्लेक्स है गॉल्गी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट इन तो गॉल्गी कॉम्प्लेक्स आपंकर क्योंठार पार्टिसिपेट करता है रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसल्स ना आपंकर फैटी एसिड ब्रेकडाउन ना आपंकर एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड मन रखिए गॉल्गी अपैरेटसटा आपंकर गॉल्गी कॉम्प्लेक्सटा आपंकर सेक्रेटरी वेसल्स आपंकर फॉर्मेशन करता है मन रखिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है मेम्ब्रेन फाउंड इन वैक्यूल्स इज नोन एज तो वैक्यूल जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट थाए ताको हमें कौन कही दऊ ताको हमें कही दऊ मेम्ब्रेन अराउंड द वैक्यूल सॉरी द मेम्ब्रेन अराउंड द वैक्यूल इज नोन एज टोनोप्लास्ट ना या आपंकर इलियोप्लास्ट ना आपंकर साइटोप्लास्ट ना अमाइलोप्लास्ट तो मन रखिए ताको हमें कही दऊ टोनोप्लास्ट ठीक अच्छे टोनोप्लास्ट बोली कही दऊ मेम्ब्रेन अराउंड द वैक्यूल मेम्ब्रेन अराउंड द वैक्यूल इज नोन एज टोनोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए डैश इज द स्टडी ऑफ सेल इट्स टाइप्स स्ट्रक्चर फंक्शन एंड इट्स ऑर्गेनेल तो आप सेल विषय में स्टडी करने को आम सेल बायोलॉजी बोली कही था। नेक्स्ट नेक्स्ट है माइक्रोफिलामेंट्स आर कंपोस्ट ऑफ ए प्रोटीन कॉल्ड तो ये पढ़ले जो माइक्रोफिलामेंट गोटे कंपोस्ट या बाय प्रोटीन जोटा कि जैक आम कही था ट्यूबुलिन ना एस्टिन ना आपंकर मायोसिन ना आपंकर चिटिन तो ताको आम कही एस्टिन ठीक अच्छे एक्टिन भी कहींपर एक्टिन ठीक अच्छे तो मन रखिए माइक्रोफिलामेंट कंपोज्ड ऑफ एक्टिन प्रोटीन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट अकर इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो आपंकर रफ बा आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे तो आ भितर क्यों इवेंटा हो न था क्लीवेज ऑफ सिग्नल पेप्टाइड सॉरी ओके क्लीवेज ऑफ सिग्नल पेप्टाइड प्रोटीन ग्लाइकोलाइसन ना आपंकर
प्रोटीन फोल्डिंग ना आपर फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस तो मन रखिए तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे आपर हो न था कौन ना फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन मेनी राइबोसोम्स मे एसोसिएटेड विथ ए सिंगल एमआरएनए टू फॉर्म मल्टीपल कॉपीज ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड सिस्ट साइमल्टेनियसली सच थिंग्स अब राइबोजम्स आर टर्न राइज तो सही टाइप थिंग्स को आम कौन कही था पॉलीजम्स बोली कही था। ठीक अच्छे पॉलीजम्स मन रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 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 नंबर 50 जोटा कि आम लास्ट क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन तो आभर क्योंकि गोटे सेल मेम्ब्रेन गोटे पार्ट नुहे है तो सेल मेम्ब्रेन गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट नुहे ग्लाइकोलिपिड फॉस्फोलिपिड प्रोलीन ना आपर कोलेस्ट्रॉल तो मन रखिए फॉस्फोलिपिड इज नॉट ए पार्ट ऑफ कारो ना आपर सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड गोटे पार्ट नुहे बुझेगा। तो ओवरऑल फ्रेंड्स आम डिस्कसन कले सेल बायोलॉजी आम चैप्टर वाइज डिस्कसन करवा तो सेल बायोलॉजी फास्ट आम नहींचे तो सेल बायोलॉजी जितकी सिलेक्टेड क्वेश्चन थी आम डिस्कसन कले तो जब आपको भिडियो भल लगे भिडियो को लाइक करेंगे सांग सहित भिडियो को सेयार करेंगे चैनल को जब फर्स्ट टाइम आज चैनल को सब्सक्राइब करना तो चैनल काइंडली सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देबे एपर लेटेस्ट क्लास नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइबे। सो थैंक यू।